हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजा राजा जैसे कि ना राम राम। अभी हमारी लक्की बना रही है वो डिलीशियस थिंग, ये देखो भाई, सेक जितने काजू बादाम। और इधर है सूजी, लक्की किसकी सूजी? माय गॉड, रोस्टिंग मी? यस। नो नो यार, तो इधर कट चुके हैं प्याज, शिमला मिर्च, साथ में टमाटर, थोड़ी मिर्ची होगी। और अभी बनेगा सूजी का उत्पम। देखो कैसे बन, तो उपमा उपमा, पहले जलती इसमें राई, अभी तो उपमा बनाना सिखा देते हैं यार। ये देखो, फिर इसके बाद डालते हैं प्याज, हरी मिर्च वगैरह। ओहो, मैं ज़्यादा तड़के में नहीं खड़ा हूँ, मैं जाता हूँ बाहर, थोड़ी देर बाद आता हूँ। क्या कर रहा है तू? जैसे ऊँचक उचक के उभर रहे आटे बोटल भर था। अब इसके बाद क्या ज्यादा लक्की भाई, तू भी बिना नमक मिर्ची का खाएगा कि वैसे खाएगा? बोल, ज्यादा थोड़ी डालेगी तू तो मिर्ची, ज्यादा थोड़ी डालेगी तू, इतनी कल की तरह डालेगी तू मिर्ची बस। फिर जब मैं कल वो सैंडविच ही का गया तो सही है। इसके बाद हल्दी वगैरह डाली है लक्की ने हमारे, और साथ में थोड़े काजू बादाम। ओहो, साथ में थोड़ा पानी। ओ माय गॉड, नाइस नाइस। इसके बाद ये बिट्टू दीदी के लिए बन रही है, और इसके बाद जा रही है सूजी। ये ज़्यादा नमक मिर्ची वाला नहीं बन रहा है उसके लिए। ये बन गया है सूजी का उत्पम। उत्पम में क्या है री? उपमा उपमा, ये बन गया उपमा। लिखा अगरे वाली तेरे मोटे मोटे ने ना जाते रे बैक सीट मेरा दो दो ने। हमारे एक भाई इधर पड़ा हुआ है हांडो की तरह, ये देखो देखो इसको, देखो इस सेक्सी पेट को। ओ माय गॉड, क्या देख रहा है ब्रो? खाएगी फोन में से? किससे बातें कर रहा है? मुस्कान की चमकान कही। ओ ये देख मुस्कान, देख तेरे क्या दिखा रहे थे, देखते थे तो पहले क्या दिखा रहे थे? ये क्या देख रहा है गंदे बच्चे? बाली में देख रहा है। हाँ। पिंक पिंक नहीं चल रहा है यहाँ। हाँ। काला। ये यार इसका अब नहीं पता है। अरे यार गाइस, कैसे बनता है ये? लाइक दिस, लाइक दिस। अभी हमारे लिए इधर बनेगा, लड़के को घर का खाना नहीं पसंद तो ये बाहर के खाने को खा रहा है, खाई लेते हम भी इसके साथ। बिरयानी भी है और ये वो वाली है, ये थी ना, ये पनीर टिक्का है। खाई ब्रो, तब क्या कर सकते यार जतिन भाई, कैसे पड़े हुए है ना ऐसे, कितना मजा आ रहा है, फुल चिलिक फरिक चल रही है तेरी यार। शाम को भी 0-0 कर लो, रात में भी 0-0 कर लो, 0 पे जिंदगी खत्म हो रहा है। गाइस अभी दवाई डलाई है, बहुत गंदी दवाई रहती हो यार, है ना देख भाई, तेरा डलाई हो गई जब तक कह रहा है, तू भी डला है, तू ही डला ले बस तो जाएगी। गाइस मेरे वो लग रही है शील्ड, फिर टाके वाके सब चीज़ें और टेसर है, इधर दिखती है खड़ी हुई है ऐसे ही हमारे। अभी बार टाको बट रहे, टाको खाएंगे, टाको खाएंगे, बच्चे तो बताते ना हमारे यहाँ टाकोस कैंसिल कर दिए लक्की ने, गोल बना के दे दिए। अरे मम्मी पूजा कर रही है अभी, और टाकोस वैसे खा लेते हैं लेकिन ये भी खा लेंगे, मस्त बना होगा, खाते हैं। बाय बाय। आज नहीं दिख रहा आप सबको, क्या खाना चाह रहा तू? हलवा रोल? रोल इज वेरी टेस्टी मम्मी। अरे हलवा रोल खाना चाह रहा है ये, लेकिन लक्की हलवा रोल खाने के तरीके को देखो, कढ़ाई में कह रहे कढ़ाई में। हाँ, ये कपड़े उड़े सारे। अबे यार तुम कैसे लोगों को कुछ तो दे देते दे। बोलो, गर्मी लगा
अरे नहीं दोस्त, अरे थोड़ा तो खा लो, अरे वो थोड़ा किला रे, उसके बाद यही तो खाएंगे। ये ले तो कह रहा है बुखार में माल्टा कैसे जाओगे फिर? फूल में कैसे, फिर कैसे पाव डाल के रहोगे वहां पे? बुखार बेटे पापा आ गए। जिनू 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 दो दो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू साहब। दूसरा? दूसरा याद नहीं। सबसे कम समय के लिए भारत का प्रधानमंत्री कौन रहा और कितने समय के लिए रहा? अगर ये आंसर दे दिया तूने मान जाऊं तो गूगल से नहीं सबसे लंबे समय तक रहे, सबसे कम समय तक उन्होंने, तो मतलब एक प्रधानमंत्री जो सिर्फ चार दिन रहा था, नरसिम्हा राव। ये पढ़ रहे हो तुम? अरे तो ये पढ़ाया ही नहीं ना भाई, अभी ये पढ़ रहे हो क्या होता है? अरे तो बेसिक नॉलेज है यार। रीजनिंग चल रही, मैथ्स चल रही, इंग्लिश चल रही, क्या चल रही बताओ? नहीं अभी हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री चल रही, हिस्ट्री का तो सवाल है। अरे पर अभी यहाँ सबसे लंबा युद्ध भारत के इतिहास में कौन सा था? सबसे लंबा युद्ध हिडिंबा का, वर्ल्ड वॉर टू। राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ किस योद्धा ने लड़ी है? महाराणा प्रताप। तो क्या पढ़ते हैं? पैसे खराब कर रही है तू, भेजूंगा वापस 12 कोटा सब। कुछ नहीं बताया था, मम्मी ने बता दिया, इससे बढ़िया तो इंडिया नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो राजस्थान की पूछ रहा हूँ। तो कुछ नहीं, मैंने इंडिया की पूछी पहले। मैं बोला सबसे कम समय तक कौन सा प्रधानमंत्री रहा था? नरसिम्हा राव। अच्छा अभी पता है इसको, पहले नहीं बताया, वो तो मम्मी बताई। चल ऐसे बता के भारत का एटॉमिक रिसर्च केंद्र कहाँ पर है? पांडिचेरी। नहीं नहीं राजस्थान में। तो ये बता, सुन मेरी बात, ये जयपुर का, जयपुर का पहला राजा कौन था? जयपुर का पहला राजा ये पता, इंडिया की पूछ लूं। सबसे बड़ा डैम कौन सा है पूरे भारत में? ये तो जीके की चीजें पूछ रहे हो यार, हिस्ट्री की पूछ लेता हूँ भाई, इसकी जिल्लत हो रही है। राजस्थान की पूछू, इंडिया की पूछू? इंडिया की पूछ, राजस्थान की तो भी पढ़ाई है। इंडिया में नहीं आता राजस्थान? अरे भी पढ़ाई नहीं हमने राजस्थान की। भारत की पहली राजधानी कौन सी है? भारत की पहली राजधानी दिल्ली। पहली राजधानी बताओ तो अबे। नहीं पहली भी यही थी, यहीं से शुरू हुआ था। कौन सी थी और सोच ले, फर्स्ट राजधानी कौन सी थी भारत की? मुंबई, कलकत्ता। ये बताओ कितने साल पहले की बात है? सबसे पहले की पहले की बात है। अरे नहीं बात बताओ, यू आर वेरी पैथेटिक सिचुएशन, यू आर इन वेरी पैथेटिक सिचुएशन। डोंट करेक्ट मी, आई एम वेरी इंटेलिजेंट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, बट आई विल करेक्ट यू, बट यू शुड अंडरस्टैंड दीस थिंग्स, आई एम योर जीजा, आई कांट बी रॉन्ग। And you are in Rajasthan.
उसने भी दिल्ली तो बोला। दिल्ली पहले वर्ग मीटर फैली हुई थी तब इसे दिल्ली कहा जाता था। बांग्लादेश कब भारत से अलग हुआ? बांग्लादेश होना ये बताओ, बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई बता? 60 और 70 के बीच में हुई थी। तो पूछो किसने यार। अच्छा चलो ये बता, अगर गलती से तू रिटन एग्जाम में पास हो गया और तेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो तू कौन से कपड़े पहन के जाएगा? फॉर्मल्स के अंदर तेरा ड्रेस कोड क्या बनाएगा? कैसे कलर के शूज, कौन सी पैंट, कौन सी शर्ट, टाई के साथ रहेगा या टक्सीडो पहनेगा खादी की शर्ट पहनेगा? मैं तो बता रहा हूँ, उसमें से पिक कर रहा है। टोटल तेरा कॉम्बिनेशन बता, मतलब सूट टू पीस सूट ब्लू कलर का, टू पीस ब्लू कलर का, ब्लू कलर का क्या पूरा जो ब्लेजर और पैंट, ब्लेजर ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू, कैसा ब्लू? ऐसे मेरे को कलर थोड़ी पता है यार, नॉर्मल ब्लू जो। आदमी जब तैयारी शुरू करता है ना, सबसे पहले उसके दिमाग में ये आता है कि मैं इंटरव्यू में कैसे अपीयर करूं। वो तो वहां मतलब तेरे को उम्मीद नहीं तो इंटरव्यू तक पहुंचेगा? अरे तो वो तो वहां तो मुझे भी नहीं है, पर तू आगे बता। वहां भी डिसाइड हो जाएगा ना, इंटरव्यू कैसे हो जाएगा? अरे जरूरी थोड़ी है हमेशा कि भाई तुम बहुत ही पहले से सोच के बैठे हो। बिल्कुल अंत हमेशा शुरुआत में सोचा जाता है, पता तेरे को? अरे तो कपड़े थोड़ी अंत है, कोई कपड़ा ही अंत है भाई। बिना कपड़ों के पास हुआ है एक बच्चा आपका, नंगा नहीं, बिना फॉर्मल के। हमारे कोचिंग की बात है, जींस पहन गया था, कपड़े नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के गया था, उसका स्पेस ही नहीं थे। समझा, फॉर्मल पहने थे उसने, नॉर्मल शर्ट पैंट उसके पास। नॉर्मल शर्ट पैंट किसे कहते हो? ये आपकी शर्ट है, उसके पास एक ब्लैक पैंट थी बस। ये तो शर्ट ही बहुत महंगी, नॉर्मल कैसे हो गई? अरे यार नॉर्मल मतलब आप फॉर्मल नहीं है ना, ये पार्टी वेयर है, ये फॉर्मल नहीं है ना, वो बेसिक है। विदाउट फॉर्मल आपकी इंटरव्यू चैम्बर में एंट्री नहीं है ब्रदर। ऐसा नहीं है, वो शर्ट लगा ले, पास हुआ है वो, ऐसा नहीं पास हुआ है। तू बहुत इललॉजिकल बात कर रहा है, ऊपर से उस पे वो और कर रहा है तू। ये टीचर्स ने बोला है मुझसे, मान सकता है ये बात? फॉर्मल तो शायद अलाउड नहीं, फॉर्मल्स के बिना तो आपकी एंट्री नहीं है। कोड है वहां पे, जब चार लोग जब बैठे होते ना पैनल में, उनमें कितने, अच्छा चल बता, पैनल के चार होते हैं या पांच होते हैं? अलग अलग बोर्ड होते हैं, कोई में चार भी होते हैं, कोई में छह या सात के आसपास भी होते हैं। चार से ऊपर किसी पैनल में नहीं होते, पांच के आसपास तो मैंने भी देखे हैं। या तो तीन होते हैं या चार होते हैं, पांच तो देखे हैं मैं कह रहा हूँ। नहीं चलो वो छोड़ो, वो पास भाई जिस चीज की अपना कॉन्फिडेंस है, मैं तो देखी चीज है, मैं पूरे दिन सरकार में बैठता हूँ, इसीलिए तो आप बोल रहे हो। मुझे पता है, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो आप बोल रहे हो। नॉर्मल आदमी थोड़ी बोल रहा है। मस्त वार्तालाप चल रही है, चलो तुम तो करो भाई, मैं तो मेरा वो बना रहा हूँ ब्लॉग। भारत को आ जाते हो, कितने साल हो गए? 26। अरे यार नहीं भाई, ये गलत बता रहा है, तू भी चूतिया है। कब हुआ था? 79 या 78, इतना तो मुझे याद है। 78-79 में मेरे को ये कंफ्यूजन है, क्योंकि 78 तो मैंने शायद इस बार 78 है, 79 है, इतना याद है। अरे
बेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एंड एफर्ट्स 76 साल में तो देश का आजाद हुआ इसके हिसाब से 78 में आजाद हुआ है 78 में आजाद नहीं कितने साल हुए आजाद हुए इसने बोला 78 या 79 इयर्स हो गए आजाद हां मैं ये बोल रहा था क्या 76 बोला ठीक है ना हां ठीक है 76 बोल रहा है 76 इयर्स अरे वो नहीं उसने 77 78 इयर्स 78 79 बोला ब्रो 78 79 में हुआ था नहीं अरे पागल अभी भी पूरी रिकॉर्डिंग देख लो चेक कर ले यहां तो सबूत है अब बुरा क्यों लग रहा है तुझे हाँ तेरी लग गई है हमेशा है ना अपने ऊपर आने वाले क्वेश्चंस को ना पॉजिटिव लिया कर चिढ़ा मत नहीं 77 तो आप होएगा वो मैं वही सुन यार ये तो तप गया इतने में 77 तो होएगा मेरी बात सुन वहाँ जो लोग बैठे होंगे ना अंदर वो तुम्हें तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी को परखने के लिए उस लेवल तक ले जाते हैं जहाँ आदमी ऐसे कहता है यार नहीं करनी तुमसे बात सच बता रहा हूँ ये बात तो सत्य मतलब है ना वो निकालना पेपर निकालना तो फिर भी बहुत इजी चीज है पर इंटरव्यू में हालत खराब जो हमारे टीचर्स इंटरव्यू में तो रहते हैं तुम सोचना कि वो तो इतना पढ़े इतना उनको कितने तू चार क्वेश्चन में है ना तू ऑफेंसिव हो गया अभी तो लग रहा है यार तू मन में ऐसे कह चुका अभी तक तो जीजा माथे आ रहा है अच्छा मैं सामने तो कह नहीं सकता ना मैं काउंटिंग कर रहा था सर तो कोई नहीं कह सकता गन नहीं क्या भेजा पढ़ना तो वैसे बहुत ज्यादा पड़ता है उसके अलावा किसी भी इंटरव्यू में या सरकारी विभाग में जब आप एक बड़े पद अधिकारी बनने के लिए जाते हो ना तो सबसे पहले आपको अपना मेंटल पीस जो है ना उसको बहुत ज्यादा एक्टिव करना पड़ता है कि आप काम सिचुएशन में रहो आपको कोई गाली भी दे दे उस वक्त तो आपको उसका जवाब गाली का जवाब देना है पर कैसे देना है वो उस वक्त डिपेंड करता है कि आपको वो भी एक बहुत मैनर्ड वे में देना है मैनर्ड वे में गाली देनी है उसको वो कहते हैं मादर चो उसको तो मादर चो नहीं ऐसे सुनो मादर चो देखे ना किसी को 76 years ही उसको अपने जवाब के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है वो तो अपने पे था अब मैं तेरे को एक बात बताऊं कुल मैंने तेरे जितने क्वेश्चन पूछे मुझे एक का बैंगन आंसर नहीं पता मेरे को जलाद में सच बता मैंने क्या काम रीजनिंग फीसनिंग मैथ वैथ से मैं तो बढ़ गया व्यापारी बन गया